Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. अपने गाड़ी को थोड़ा सभी पदाधिकारियों से आग्रह करना चाहूंगा कि हमने इस प्रकार से हमारे आस्था का प्रतीक है ये त्यौहार, और भारत के अंदर हम आस्था और उम्मीद पर विश्वास रखते हैं। हमारी दिव्य शक्तियाँ जितनी भी हमारे देवी देवता हैं सबने तप प्राप्त करने के बाद ही शक्तियाँ प्राप्त की हैं, तो इसलिए छठी मैया के इस पर्व पर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, उनसे शक्ति ग्रहण करते हैं और सूर्य की जैसा तेज, सूर्य की शक्ति, सूर्य की ऊर्जा हम सबके जीवन में बलिभूत सूर्य देव भरते रहें, ये कामना करते हुए छठ पर्व का त्यौहार यहाँ पर हमारे पूर्वांचल समाज के लोग भारत उत्तर भारत के रहने वालों को मनाते हैं। छठ मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करें, हमारी तरफ से बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। सर, जैसे आज छठ पर्व चल रहा है और उसमें आप भी आए हुए हैं और जो यहाँ पे पूर्वाचल पूजा समिति है उसमें आप आए, तो क्या कहना चाहूँगे इस समिति को और जो पूर्वाचल भाई है उनको, क्योंकि आप पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। देखो जी, ये जितने यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं का साथी हमारे हैं, ये एक बड़ी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, कोई इसमें फॉर्मेलिटी नहीं करते और बड़ी श्रद्धा के साथ इतने लोग पूजा करने आते हैं। मैं तो इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने पूजा को सरल कर दिया, नहीं तो हर घर में लोग अपने अपने घरों में अरेंजमेंट करते या फिर अपने अपने गांव अपने रेजिडेंस पे जाते, बिहार में जाते या कहीं और पे भी जाते, तो इनकी वजह से ये जो जितने भी यहाँ पे काम चल रहा है छठ का, तो इनका बहुत बड़ा सहयोग है और मैं तो इनको धन्यवाद ही दूंगा। एक कवि भी है और एक अच्छा गाते भी है, और जो आज यहाँ पे आए जो पूर्वाचल पूजा समिति है और पी के राणा जी है उसके द्वारा यहाँ आए और इतना अच्छा आपने गा के लोगों को बताया, और जैसे आपकी वीडियो भी हम देखते हैं तो बड़ी फेमस आपकी वीडियो और बड़ी स्पीड से जाती है, तो इसका क्या कारण है और जो आज पूर्वाचल पूर्व का जो त्यौहार है उसमें आप आए यहाँ पे भाग लिया? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी साथियों का और ख़ासकर पीके राणा जी का बहुत बहुत आभार करूंगा कि इतने अच्छे आयोजन में जहां पर समाज के सभी वर्गों के लोग इकट्ठे होकर के छठ पूजा का उत्सव मना रहे हैं। छठ हम पूर्वांचल वासियों के लिए आस्था का प्रतीक है, सबसे बड़ी आस्था का त्यौहार है हमारे लिए। छठ पूजा हमारे लिए पवित्रता का भी त्यौहार है और उस पवित्रता के माहौल में यहाँ पर बड़ा ही सात्विक माहौल है, उसमें यहाँ पर मुझे आने का अवसर मिला तो यह मुझे बहुत ही खुशी है, प्रसन्नता है। इसके लिए मैं पी के राणा जी का और उनकी पूरी टीम का, क्योंकि अकेले आदमी काम नहीं करता है, मैं इस बात को जानता हूँ, उनकी पूरी टीम का, मुझे लोगों के नाम पदाधिकारियों के नाम नहीं मालूम, लेकिन मैं उनका ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि उनके दम पर ही, कार्यकर्ताओं के दम पर ही बड़े बड़े काम संभाल लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी चुनौतियों को स्वीकार कर लिया जाता है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है तो मेरे बस एक ही USP है कि मैंने अपनी पहचान को कभी अपने से अलग नहीं होने दिया। अगर मैं बिहार का हूँ तो मैंने इस बात में कभी भी शर्म महसूस नहीं की कहने में कि मैं बिहार का हूँ। मैं जहाँ पर भी गया वहाँ पर मैंने पूरी ईमानदारी के साथ बिहार की आवाज़ को, बिहार की बात को बुलंदी से रखने का प्रयास किया, और जहाँ कहीं भी मुझे लगा कि बिहार के लिए कुछ किया जा सकता है वहाँ पर भी मैंने अपनी भूमिका निभाई। यह कुछ नहीं है, यह माटी का कर्ज है जो मुझे लगता है कि हम सबको चुकाना चाहिए। हम सबका ये फ़र्ज बनता है, हम सबका ये दायित्व बनता है। हम जिस भी लेवल पर हों, बड़े लेवल पर हों तो बड़ा काम करें, छोटे लेवल पर हों तो अपने सामर्थ्य का काम करें, लेकिन निश्चित तौर से इस मातृभूमि के ऋण से उत्तीर्ण होना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। उत्तीर्ण तो नहीं हो सकते क्योंकि जिस मिट्टी को खाया उससे ही बड़े हुए हैं, मिट्टी में ही सोना उपजता है, मिट्टी में ही सब कुछ उपजता है, हम उसी को खा
करके पल बढ़ रहे हैं, तो उस मिट्टी का धन्यवाद करना चाहिए हमें। और बिहार जो एक विरासत की नगरी रही है, विरासत की धरती रही है, आज की तारीख में अगर आप बिहार के इतिहास को हटा दीजिए तो भारत का इतिहास समाप्त हो जाता है। बिहार के इतिहास के बिना भारत का इतिहास संभव ही नहीं है, कहीं दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देता। चाहे वो वैशाली की बात हो, जिस लोकतंत्र में हम लोग रह रहे हैं, वो पहला लोकतंत्र भी बिहार से आया। चाहे भारत के वर्तमान लोकतंत्र के पहले राष्ट्रपति हो, वो भी बिहार से आए, राजेंद्र बाबू। चाहे भारत के दिनकर जो राष्ट्रकवि की उपाधि जिन्हें मिली, उन्होंने भी, वो भी बिहार से ही आए। और तमाम तरह के IAS IPS तमाम तरह के लोग, सब बिहार वासियों की मेहनत और श्रम का, या कोई हमें बपौती नहीं बांट रहा है, हम इसमें कहीं से चुरा कर या किसी का हिस्सा मार कर नहीं, अपनी मेहनत से आ रहे हैं। तो मैं सभी से बस इतना भर निवेदन करूँगा कि अपनी पहचान के साथ बने रहिए, अपने आप के साथ बने रहिए, अपने परिवार के साथ बने रहिए, और सबसे बड़ी बात अपनी मिट्टी के साथ जुड़े रहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को यहाँ पूजा करने में बहुत परेशानी होती है, परेशानी हुई है, 5-6 साल से हम लोग कर रहे हैं। और हम लोगों को दिल्ली सरकार तो वैसे थोड़ा बहुत सहयोग करती है, हम लोग ये चाहते हैं कि इतना बड़ा आयोजन करते हैं तो हमारे लिए कोई ऐसी जगह व्यवस्था की जाए ताकि हम लोग अच्छे से प्रोग्राम को कर सकें। जी सर, क्या नाम है आपका? पीके राणा। पीके राणा जी, जैसे हम देख रहे हैं इतना अच्छा पूर्वाचल जो पूजा समिति है, इतना अच्छा यहाँ पे छठ घाट का आप लोगों ने मिलके एक व्यवस्था की, और देख रहा मैं हजारों की संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं पूर्वाचल भाई, तो क्या कहना चाहूँगे उन? देखिए, ये जो आज हमने यह आयोजन किया, ये हमारा 6वां साल है और हमारे साथ ऐसे ही लोग जुड़ते रहते हैं। यद्यपि ये नए जगह हमें हमने किया, लेकिन फिर भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये आस्था का विषय और कई परंपरा सदियों से चली आ रही है परंपरा, तो इसमें कुछ नया नहीं है। और हमने उसी में कोशिश की है कि उसको और अच्छा करने की, जैसा कि हमारे सर ने बताया, जो हमारे संरक्षण है संगठन के, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर लोगों को सहूलियत प्रदान की जाए, और उसके लिए सब कार्यरत है। ये व्यवस्था हम सभी कार्यकर्ताओं जब ही कर पाते हैं जब मैया का आशीर्वाद होता है, तो ये भव्य कार्यक्रम कराने के पीछे मैया का आशीर्वाद है और उनका ही योगदान है कि हम उतने हजारों किलोमीटर दूर आने के बाद भी हम अपनी संस्कृति और अपने पूजा पद्धतियों को यहाँ पे हम लोग कर पा रहे हैं। और साथ ही ये पूरा पूर्वांचल पूजा समिति की जो टीम है और सारे लोग, और बस एक ही समस्या अभी हमारे बीच में है कि हमारे पास में अगर परमानेंट जगह हो तो हम इस कार्यक्रम को और भी भव्य कर पाएंगे। सर, कितने? सबसे पहली बात, ये उगते और डूबते दोनों सूर्य का, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया था अभी, ये आस्था का पर्व है। चाहे लाख दिखते आए, ये हमारा नहीं, ये छठी मैया का आशीर्वाद है कि पूजा तो होती ही होगी ही होगी, लोग चाहे अपने घरों में करें या सार्वजनिक स्थान होते। जहाँ तक स्थान की बात, अगर वो स्थान हमें एक निश्चित स्थान हमें मिल जाए तो हम हर साल और भव्य तरीके से और सुरक्षा संबंधी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम पूजा को संपन्न करा पाएंगे। क्या कहना चाहूँगे आज के इतने अच्छे? मैं ये कहना चाहूँगा, सब कुछ तो कहा ही गया है, लेकिन जब मेरे पिछले 5 साल से मैं प्राइवेट फॉर्म में करते थे, फार्म हाउस में करते थे, पिंडी फार्म बगल में है, और अच्छा रहा, वहाँ पर बना हुआ तालाब घाट था। और जब इस बार डेवलप सुनने का नाम मैं सुना, तो मैं दिल्ली सरकार के पास CM लेवल पर या जो भी पदाधिकारी हैं, मैंने एप्लीकेशन लिखकर 3 महीना पहले से मैं कोशिश कर रहा हूं, उसका मेरे पास प्रमाण पत्र भी है, लोग कोशिश भी किए, DC ऑफिस भी, DC अभी ऑर्डर दे दिए। ठगा हुआ लग रहा है आज, पीछे पीछे पड़े लग रहा है कि ऐसा, मैंने हम लोग इतना लगे AC डेडिकेशन के साथ, अगर ये व्यवस्था होती इतना बढ़िया तो यहाँ अब इसे दुगना तिगना आदमी आता। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.